तो आ जाइए। माताओं बहनों भाई बंधों के, माताओं बहनों भाई बंधों के लिए एक प्यारा सा निर्गुण भजन है, गौर करेंगे। जैसे मैंने देखा है, कोई सुंदर है तो सुंदरता पे बहुत ही घमंड है, कोई धनवान है तो धन पे घमंड है, कोई बहुत जैसे कि बताया गया 4-6 भाई है तो उनको घमंड है, कोई ज्ञानी है तो उसको घमंड है, यानी किसी न किसी बात का हर किसी को घमंड है। तो मेरे भैया, कहा गया सबसे पहले क्रोध को शांत करना है, क्योंकि क्रोध ही सबसे बड़ी ज्वाला है जो सब कुछ जला कर खाक कर देती है। क्रोध से ही उत्पन्न होता है क्या अहंकार, तो गौर करेंगे, निर्गुण भजन है। अरे हम आप लोगों का जो जीवन है ये 4 दिनों का है, तो इसमें प्रेम भाव से जिएंगे, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, पड़ोसी से, गांव से, भाई बिरादर से, अन्य लोगों से, सभी लोगों से मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे। तो कहना है अरिका तोहरे संग जाई भमरवा, अरिका तोहरे संग जाई भवरवा। भवरवा कौन मेरे माता बहनों, भवरवा कौन मेरे भैया दादा, यानी हम और आप लोग। हाँ के परदादा आए चले गए, हम ही 4 दिनों के लिए, हमारा भी अंत होगा और ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां बढ़ती रहेंगी और पीछे वाली पीढ़ियों का अंत होता रहेगा। हम लोग बहुत बड़ी जिंदगी नहीं, जिसे 50-60 साल 80-90-100 साल समझते वो 4 दिनों के जीवन के समान है। सही बात है भैया, गौर करेंगे, तो इस जीवन का कभी गलत उपयोग नहीं करना है, अच्छे रास्ते पर चलकर लोगों का भला करना है। लड़ते हैं वो सब यही रह जाएगा, गौर करेंगे भैया। आभूषण कुछ नहीं सज जाएगा मेरे भैया, हमेशा लोग जिस दिन अपने सत्य को याद कर ले, यानी अब कहा गया है जन्म है तो अंत भी होगा, अगर अपने सत्य बात को, यानी हमारा जीवन है अंत भी होगा, मृत्यु को हर व्यक्ति याद रखे तो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, लेकिन कुछ अच्छा खाया कुछ अच्छा पहना उतने में व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तो अमर हूं, लेकिन ऐसा नहीं भैया। अरे कोठी बंगला जीवन भरी जो तुमने कमाया, बस ये
कमाई, बेईमानी की कमाई, मेहनत से किया, कुछ भी किया, सब यही रह जाएगा मेरे भैया। और क्या कहा गया, अंतिम समय में क्या मिलेगा, दो गज का कफन, गौर करना। अरे जीवन मोहित भैया, दूसरे बंद में कहना है, जिस घर में हम रहते, जिस परिवार में जन्म हुआ, मैं उसी परिवार को सिर्फ अपना परिवार मानता, लेकिन एक मैया के गर्भ से अकेले अकेले आते हो, अकेले अकेले चले जाते हो, तो वो परिवार तो सिर्फ नाम का परिवार है, देखा जाए तो अपना परिवार भी अपना परिवार नहीं, और देखा जाए तो अन्य लोग भी अपने परिवार से कम नहीं। तो कहना है, अरे माता पिता और बीबी बच्चे छोटे हैं सब सही हैं, ओ माता पिता सब घर परिवार छोटे हैं है सही हैं, बच्चा पहले गया कि माता पिता पत्नी गई, रिलेशन है बहुत अपने लोगों के आते जाते रहते, इसलिए कोई भरोसा नहीं। अरे संसार छूटता, यहाँ तक कि अपनी पैदा की हुई औलाद भी अपनी नहीं रहती मेरे भैया। और गौर करेंगे, इसको संभल कर जीना मेरे भाइयों, कोई त्रुटि हो उसे संभाल लेना, कभी बुराई के रास्ते पर नहीं चढ़ना। ये बहुत सारे प्रचारक समझा रहे हैं, बहुत बुजुर्ग समझा रहे हैं, अध्यापक समझा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको गलत सीख दे रहे हैं, गलत रास्ता, ऐसा नहीं। आपका जीवन जिससे सुखमय रहे ऐसा रास्ता हर कोई देता है, बड़ा बुजुर्ग हर कोई समझाता है, लेकिन ये भी मत सोचना कि आपके सब अपने हैं। अगर आपके 95 हैं तो 5 दुश्मन भी हो सकते हैं, इसलिए संभल कर जीना मेरे भाइयों, यहाँ रास्तों में कांटे बिछे हैं। तो कैसे, किसी की मदद दी है, किसी के वक्त पे काम आए हो, तो व्यक्ति उस पल को भूलता नहीं, सदैव याद रखता। इसीलिए हम तो हैं, हमारा अंत हो जाएगा, मरने के बाद हमारा नाम रह जाएगा। कैसे, जैसे मैंने किसी के साथ बुरा किया तो हमारा ये नाम समाज बुरा लेगा, अगर किसी के साथ अच्छा किया तो समाज मुझे अच्छा कहेगा। इसीलिए सबसे बड़ी दौलत है अपना नाम, अपना मान, अपना सम्मान। अगर नाम है तो सब कुछ है, नाम नहीं तो बड़ी सी दौलत, बड़ी सी हस्ती भी मिट्टी के समान है। कहना है, नेकी पति जो कर्म किए
बदी आप किए हैं जीवन में वही नाम रह जाएगा। शरीर का तो अंत हो जाता है, साल छह महीने लगते, बीवी बच्चे भी भूल जाते हैं। जैसे बाबा साहब तथागत बुद्ध ने रामस्वामी पैरियार ललई सिंह यादव वीर शिवाजी महाराज छत्रपति शाहू जी महाराज महाराष्ट्र ब्राट अशोक बहुत से महापुरुष हुए हैं। बीरा पासी चीता पासी लखन पासी सुहेल देव पासी बिजली पासी संत बाबा गाड़ गए और ऐसे से बहुत सारे महापुरुष हुए मैं क्या बताऊं। लेकिन उनका शरीर तो नहीं रहा लेकिन उनका नाम है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया है और अपने घर परिवार के लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए, इस समाज के लिए। जो अपने लिए जीता वो जीवन नहीं, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता, जो समाज के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीवन वही होता है। तो कहना है बोली बाबा साहेब की संत गुरु रविदास की।